सर मैंने इनको जाना सर, इन्होंने पता नहीं लिफ्ट से बोलते मेरे को आ गया था, बस पकड़ा दे इनको, पूछ लो कौन है भैया, क्यों डाना इधर ये क्या लगाया है? सर ये कैमरा सर, पालन पहुंचा रहा सर, पीछे मिले मेरे को एक मोड़, मैंने को बताया भी आप क्या क्या हैं, जी क्या हैं आप? क्यों लगाया कैमरा? सर क्या बोलते, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं ना, और शॉप है सर राइडिंग की, राइडिंग सर मान लो ट्रिप वगैरह में जाते, तब सर अभी जा रहा हूँ मैं पालमपुर के लिए जा रहा हूँ, कल मेरी राइड है प्रश लेके मंडी। राइड पे है? हाँ जी कल सर, कल कोई परमिशन है इसके लगाने की? सर इसके लिए तो अभी है कुछ? बंद करो सर, बंद। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस यार आज जा रहा हूँ भाई मैं चंबा से पालमपुर तक, पालमपुर भाई अपने वही अपने अमनीत भाई डाउन हिल राइडर, उनसे अपना मीटअप होगा और उसके बाद भाई हमारी जो नेक्स्ट राइड होगी शायद कल, कल तक का हमारा वैसे प्लान है वो बनेगी हमारी प्रश लेक की। तो अभी बस यार शाम के 2:30 बज रहे हैं और आज भाई अपनी सोलो राइड ही होगी, तो चलते हैं फिर। तो बस अभी भाई मैं फाइनली अपने घर से निकल गया हूँ और भाई पहले मैं जाऊँगा मकैनिक के पास, और मकैनिक के पास जाके भाई पहले अपनी बाइक का ये काम करवाएंगे, इसका ये जो मिरर है ये चेंज करवाना यार पहले मैंने, कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है ये मेरे को, और मैंने थोड़े दिन पहले परचेज़ किया न्यू मिरर इसका आशी का, तो यार मिल नहीं रहा था तो मैंने ये पठानकोट से परचेज़ किया अभी। तो कल पहले जाऊंगा भाई मैं बालू, और बालू जाके भाई अपनी बाइक को वॉश करवाएंगे, और उसके बाद भाई अपनी जो भी छोटे मोटे काम है अपनी बाइक के चेन टाइट वगैरह जो करनी है वो करवाएंगे, और उसके बाद सीधे डायरेक्ट भाई अपनी राइड चलेगी भाई पालमपुर की ओर। तो बस अपनी बाइक तो भाई बोझ हो चुकी है और अभी हम निकलेंगे सीधे मिरर ठीक करवाने, ये टेप वगैरह लगाए दें भाई, फुल कर दे वाला वो भी अपना बाइक का काम था भाई, थोड़ी वो डेंटी पेंटी जितनी भी थी वो भाई अपने फिनिश हो चुकी है, और भाई अपने मिरर और फ्यूल वगैरह मैंने करवा लिया है, और भाई अब कंटिन्यू राइड होने वाली है बस। और यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मैं, 3:15 हो गए मेरे को चंबा में ही, और भाई अब देखते हैं कब तक पहुंचता भाई मेरा पालमपुर जाने का वो आज रूट है। फिर आज चला मैं पालमपुर यार, सो यार पहले गेस्ट आना जरूरी है भाई, क्योंकि पहले अपनी सेफ्टी भाई उसके बाद राइडिंग है, तो पहले इसको डाल लेता हूँ मैं, उसके बाद भी उसके बाद भाई फिर कंटिन्यू राइडिंग होने वाली है अपनी, तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसको डालने का। तो गाइस आज भाई अपने साथ वही हो गया अपने अमनीत भाई, रोड की हालत तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है यहाँ पे, हाँ रोड तो मतलब ठीक कर दिया बट ये है कि कंजेस्टर था, बढ़िया कि ठीक हो गया, पर यार सीन कुछ ऐसा है कि भाई रोड में मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो गई है, और देख सकते हैं अब इस टाइम नहीं तो भाई अपनी बाइक क्या भागनी थी यार। भाई साहब आज रिक्शे बड़े गंदे मिल रहे यार, भाई क्या ही बोले बंदे, भाई मुड़ मुड़ के देख रहे यार, मुड़ मुड़ के सॉरी अंकल डरना मत। हाँ जी, हाँ जी सर, सर मैंने इनको जाना सर, इन्होंने पता नहीं लिफ्ट से बोलते मेरे को आ गया था, बस पकड़ा दे इनको, पूछ लो कौन है भैया, क्यों डाना इधर सर, ये कैमरा सर पालन पहुंचा रहा सर, पीछे मिले मेरे को एक मोड़, मैंने को बताया भी क्या क्या है जी, क्या है आप
सर क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं ना, और शॉप है सर राइडिंग की। राइडिंग सर मान लो ट्रिप वगैरह में जाते तो सर अभी जा रहा हूँ मैं पालमपुर के लिए जा रहा हूँ, कल मेरी राइड है प्रश लेके मंडी। हाँ जी कल सर, कल बंद। तो यार गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ यार कि एक बंदा यार मेरे को मतलब आधे रास्ते में एक पता नहीं अननोन बंदा था, उसने मेरे से लिफ्ट मांगी। तो मैंने सोचा यार बंदा अकेला इस साइड तो कौन होगा बेचारा, मैंने भी उसको बिठा लिया बाइक। मैंने पूछा भाई जाना कहाँ, बंदा बोलता भाई मैंने जाना पठानकोट, और मैंने उसको बोला भाई कि पठानकोट तो नहीं बट ये कि 2 किलोमीटर से चल पड़ना, तूने चल पड़। और यार सीन वही हुआ, मैंने उसको बोला भाई आगे चौकी है वहाँ पे पुलिस वाले होंगे तो यहाँ पे उतर जा भाई। बंदा नहीं माना, बंदा बोलता कोई बात नहीं आप चलो, अगर फाइन वगैरह मैं दे दूंगा। भाई बंदा उतर नहीं रहा था, और जब भाई मैं पुलिस वाले के पास पहुंचा तो मतलब मैंने वो बंदा पीछे उतार दिया था। बट यार पुलिस वाले मेरे को बोलते भाई यार कि लाइसेंस दिखा, मैंने दिखा दिया जो भी डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट तो अपने भाई प्रॉपरली होते हैं। बट यार उस बंदे पुलिस वाले के पास इतना बोला मेरे को कि भाई कैमरा बंद कर दे। यार भाई कैमरा क्यों करना बंद, बोलते कैमरा लो नहीं है भाई, अगर बंदा राइडिंग कर रहा है तो उस पर भाई कैमरा लो नहीं है तो इसको बंद रखो और इसको आइंदा नेक्स्ट टाइम ना लगाए बाउंड के साथ। तो यार उन्होंने क्या किया भाई कि मेरा मतलब कैमरा वगैरह बंद कर। उसके बाद भाई सीन ये हुआ कि बंदे ने पुलिस वाले ने बोला भाई कि कैमरा वगैरह बंद कर दे। तो मैंने भाई कैमरा, मैंने बोला सर क्यों बता दो मेरे को, भाई मेरे को नहीं इस चीज़ का नॉलेज भाई, मतलब बता दो मेरे को कि क्यों है बंद ये। बोलते नहीं ये गवर्नमेंट का मतलब रूल है कि भाई आप कैमरा नहीं लगा सकते। तो यार आप खुद सोचो चलते थे यार बात। बट ये था कि पुलिस वाले को मैंने बोला भाई अंकल को कि ऐसा सीन है, मैं इसको जानता, वो मेरा चालान काट रहे थे पर उनका जो नेटवर्क था नेटवर्क इशू आ रहा था कुछ तो हो नहीं रहा था। तो यार अब काफ़ी टाइम उन्होंने मतलब 20-25 मिनट मेरा ऐसे ही बर्बाद कर दिया, और भाई कुछ ऐसा सीन था यार, और मेरा कैमरा वगैरह बंद करवा दी थी उन्होंने, वो बाकी मैं शूट कर नहीं सका। और भाई यार देख लो 4:30 हो गए हैं और मैं अभी तक बनखेत तक नहीं पहुंच सका, और अगर वो पुलिस वाले नहीं रुकाते मेरे को तो इस टाइम भाई मैंने पहुँच जाना। हाँ पर उनकी एक बात मेरे को अच्छी लगी भाई की, उन्होंने जो उस बंदे के लिए बोला कि इस बंदे को तू लेके क्यों आया, तो भाई मैंने बता दिया कि मैंने इसको जानता, मैंने इसको थोड़े तक आगे तकलीफ दी पर बस ऐसा सीन था और कुछ नहीं। तो फिर पुलिस वाले अंकल भी मान गए, बट यार कैमरे के लिए बुरा लगा कि कैमरा बंद करने के लिए क्यों बोला, बाकी तो सब कुछ ठीक था। जब आते यार बाइक का आज मतलब मूड ही ऑफ हो गया यार, मतलब कि इतनी अच्छी राइडिंग हो रही थी और यार एंड टाइम मतलब यार गाइस वेदर चेक करो भाई यहाँ का भाई, बरिया से नीचे का भाई नैनीगढ़ का वेदर चेक करो, काफ़ी ज़्यादा भाई ठंडा है भाई यहाँ का वेदर अभी। और भाई चले यार अभी मतलब अकेले, और यार मेरे को ना बड़ा ज़्यादा यार इरिटेट हुआ यार वहाँ पे, मतलब बड़ा ही ज़्यादा यार क्या ही बोले, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यार उस चक्कर में मैं। तो वाइज अभी मैं भाई सियुंता से 6-7 किलोमीटर पीछे पहुंचा हूँ, और भाई अपने अपने नीतू भाई को मैंने कॉल कर दी है कि भाई आज नहीं पहुंच पाऊँगा मैं पालमपुर, तो कल मिलते हैं। तो आज भाई आज मैं रुक जाऊँगा अपने फ्रेंड के घर इधर ही सियुंता में ही, तो दीपक अपना को मैंने कॉल कर दी कि भाई यहाँ पे आके रेस्टोरेंट के पास आ जाना। तो बस इधर हमने मीट पॉइंट रखा था अपना, तो देखते आया वो कि नहीं आया अभी तक, आपको मिलाता हूँ मैं उससे एक हरामी फ्रेंड से, मेरा जो सबसे हरामी फ्रेंड है यहाँ का सिमंथा का। समझ रहे हो। सो गाइस अभी पहुँच गया भाई मैं आर के रेस्टोरेंट के पास, और भाई ये यहाँ का आर के फूड पॉइंट, काफ़ी अच्छा खाना मिलता भाई यहाँ पे। तो बस फ्रेंड का वेट कर लेते हैं और उसको उससे मिलाता हूँ भाई अपने फ्रेंड के साथ, जो भाई अभी कवासाकी निंजा 300 लेके आ रहा है। तो भाई उसका काफ़ी देर से वेट कर रहा, वो बंदा मेरे को कल फ़ोन कर रहा था भाई कि मैंने लेनी तो निंजा है 300 है, तो
चलो उसका वेट कर रहे हैं। अब देखो निंजा कैसे उड़ते हुए आएगी। तो भाई आ ही नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया निंजा का वेट करते। वो बंदा भाई कभी R15 लेता है, कभी R310। आज देखते हैं कौन सी बाइक लेके आता। बड़ी बाइक है भाई बंदे पास हद से ज़्यादा, पर बस वेट हो रहा है उसका भी, कौन सी बाइक लेके आएगा आज। गैरेज में उसके यार ठीक ठाक बाइकें लगी, अभी 5-7 बाइकें तो नॉर्मल रखी होनी उसने। राइडर्स ये आगे बंदे हाय आते, सुजुकी हाय आते, यू ही नहीं चलाते। फिर फाइन ब्रो, वेट कर रहा भाई तेरा, क्या बोलूं मैं कैमरे के आगे, इतनी गालियां देने का मन कर रहा तेरे को ना। भाई गाइस ये जो फ्रेंड है ना मेरा, महावरी क्या बोले इसको, जितनी गाली है ना आती होगी ना उतनी कम है। चलो फिर चलो भाई आज चलते भाई सुजुकी हयाते के पास साथ, और भाई यहाँ तक ड्रॉप कर दोगे मेरे को? श्योर श्योर। बस भाई बस बस ज़्यादा नहीं, बस इस आरसी के पास लगा दो, लेटा दो इसके पास साथ, बस बस ब्रो थैंक यू। तो भाई ये बंदा भी पार्टी करवाएगा ये बंदा पार्टी करवाएगा भाई आज। बहुत ही आरामी लड़का है ये, इसको आप देख सकते हैं। ओए बैठ, चले घर द पागले। हाँ तभी तो तेरा ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, ये देखिए चले घर दी बैठ, ओ मैं अपनी फुल कर रही हूँ और कुछ। ये लड़का है ये बहुत ही थक चुका है